हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में और जो क्वेश्चन एसक्यूएल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। हेयर आर द सम मेन कमांड्स। ठीक है, अभी तक हम 11 क्वेश्चन इसके हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सीक्वल क्या होता है, डेटाबेस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, एंड टाइप्स ऑफ कीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन की क्या है आपका, ठीक है, आपका प्राइमरी की क्या है आपका, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे कि एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डेटाबेस जो होता है हमारा सीक्वल में, उसमें कितने टाइप्स की आपकी कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कमांड जो हम देखते हैं वो है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। बेसिकली इसमें होता क्या है, DDL कमांड आर यूज टू डिफाइन, मॉडिफाई एंड रिमूव द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज, स्कीमास। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है, इंक्लूड, पहले तो क्रिएट कर सकते हैं हम, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, इंडेक्स एंड व्यू। हम व्यू बना सकते हैं, ठीक है, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इंडेक्स कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ठीक है, ड्रॉप कमांड क्या होता है, डिलीट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, जो ड्रॉप, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है डेटाबेस किसी भी नाम से, एक्स वाई जेड जो भी नाम से क्रिएट किया है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अल्टर से। और अगर आप उसको डिलीट करना है, डिलीट का मतलब कम्प्लीटली इसको ड्रॉप करना है, तो वो ड्रॉप कमांड से आप कर सकते हो। ट्रंकेट कमांड क्या है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। मतलब ड्रॉप कमांड से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा डेटाबेस आपका गायब हो जाएगा, लेकिन ट्रंकेट से क्या होगा, उसके रिकॉर्ड्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है, तो आई थिंक DDL आपको समझ में आ गया क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड्स। अब DML कमांड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैनिपुलेशन के काम आती हैं। DML कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर इन डेटाबेस लाइक टेबल्स। ठीक है, जो भी टेबल्स में जो डेटाबेस हमारा स्टोर हो रखा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए काम आती है। तो अगर देखो किसी चीज़ को आपको मैनिपुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, भाई मुझे XYZ कोई टेबल है, XYZ कोई टेबल है, इसको मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है, मैनिपुलेट करना है। तो पहले से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंसर्ट, मैनिपुलेशन में क्या करता है आपका, कुछ इंसर्ट करोगे, कुछ डिलीट करोगे, कुछ बनाओगे, कुछ अपडेट करोगे, तो उसमें इंसर्ट करेंगे, आपने रो या कॉलम कोई भी इंसर्ट कर दिया। अपडेट में मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, मॉडिफाई में क्या होगा, किसी वैल्यू को आपने चेंज किया। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में जो वैल्यूज़ हैं, जो डेटा है आपका, उसमें से किसी को आपने अपडेट किया। एंड डिलीट, रिमूव ऑल कमांड्स, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो ये चारों के चारों का इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और हमने इसमें कौन सी कमांड्स पढ़ी थी, DDL के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क एग्जामिनर। ठीक है, इन कमांड्स को हमेशा पूछा जाता है जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है, कि बिकॉज ये बेसिक फंडे हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL कमांड्स। DCL कमांड्स आर यूज टू कंट्रोल, देखो यहाँ पे नाम में ही कंट्रोल है, तो कंट्रोल एक्सेस ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड मैनेज प्रिविलेजेस। ठीक है, यूजर्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, ग्रांट, कंट्रोलिंग का मतलब होता है ग्रांट। ग्रांट मीन्स आप किसी को कोई एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, पावर दे रहे हो कि वो उस डेटा को देख सकता है, उसमें काम कर सकता है, उसको बोलते हैं ग्रांट। गिव स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू डेटाबेस यूजर्स। ठीक है, सपोज आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बट आप एक या दो लोगों को ही ये दे रहे हैं पासवर्ड उसका, या कुछ एक्सेस दे रहे हैं कि वो उस डेटा को देख सकते हैं, ठीक है, या उस पर काम कर सकते हैं। रिवोक का होता है वापस लेना, रिमूव प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेजेस फ्रॉम डेटाबेस यूजर। जो भी उसको यूज़ कर रहा है, सपोज उसने कंपनी को छोड़ दिया, तब आप क्या करोगे, अब उससे आप ग्रांट को वापस लोगे, तो रिवोक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर, तो ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ट्रांजिशनल कंट्रोल लैंग्वेज, TCL बोलते हैं इसको। ठीक है, TCL कमांड्स आर यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन्स विद इन डेटाबेस
फॉर एग्जाम्पल कॉमेट सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन. कॉमेट क्या करता है, ऑल द चेंजेस जो आपने चेंजेस किए हैं उसको अपडेट किया है या कुछ भी किया है एडिट किया है तो उसको वो सेव करेगा. रोल बैक रिवर्ट ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन, रोल बैक कर देगा वापस कर देगा. सेव पॉइंट सेट अ पॉइंट इन द ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक, उसको वापस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, एक सेट कंडीशन के बाद. नेक्स्ट आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL, ये भी इंपॉर्टेंट है. डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स और यूज स्पेसिफिकली फॉर क्वेरिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, डेटा के अंदर क्वेरी करनी है तब हम वहाँ पे DQL कमांड्स लगाते हैं, ठीक है. द प्राइमरी DQL कमांड इज सेलेक्ट, क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी क्वेरी लगानी है आपको, ठीक है, मॉडिफाई करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उस डेटाबेस को विच रिट्रीव्स डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, डेटा डेफिनेशन एक्सटेंशन कमांड्स DDE. DDE कमांड्स आर एक्सटेंशन ऑफ द SQL स्टैंडर्ड दैट अलाउ फॉर एडिशनल फीचर्स बियॉन्ड द बेसिक DDL कमांड, ठीक है, उसके बियॉन्ड उसका एडिशनल फीचर है. These commands vary depending on the database management system being used. उस पर डिपेंड करता है DBMS के ऊपर, क्लियर है. चलिए अब बात करते हैं, देखो what is the difference between DML, DDL और DQL. अभी हमने यहाँ पर सारी commands देख ली हैं तो इसके difference को वही है जो हमने discuss किया, तो उसमें कोई ज़्यादा time लगाने की जरूरत नहीं है. देखो insert, update, delete, select, ठीक है. DDL के अंदर क्या होगा, create, alter, drop, truncate. DQL में select करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़. अब इसमें आपस में इनके डिफरेंस या शॉर्ट नोट, तो सेम तरीके से वही चीज़ें हैं, ठीक है. मतलब ये सिमिलर, ये इसलिए डाले हुए हैं इस PPT के अंदर ये, ताकि ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं बट अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, या एक दूसरे में जो डिफरेंस है उसके लिए भी पूछ सकते हैं. तो ये अलग वैरायटी के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है, बट मीनिंग सबका वही होगा. फिर अब बात करते हैं डेटा मॉडल क्या होता है. Explain the following types of data model. First, relational data model, entity relationship data model, object based data model, hierarchical data model and network data model. ठीक है, तो ये हमारे कितने 1, 2, 3, 4 and 5 टाइप्स के हमारे क्या हैं, डेटा मॉडल्स हैं, क्लियर है. अ डेटा मॉडल इज अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज, हाउ डेटा इज structured and organized within database. It defines the relationship between data elements and provide a framework for understanding and manipulating the data. Different types of data models have been developed to suit various types of application data management needs. ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला जो डेटा होगा आपका relational data model. अब ये होता क्या है, इसकी characteristics क्या हैं और इसका example भी हम देखेंगे, clear है. चलिए अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप इसको लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगी सो दैट कि हम जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव अगर फ्रूट दे रहा है, हमें हेल्प कर रहा है, तो एक मोटिवेशन के लिए हमें लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है. तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पाइथन के जो अभी हम नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें पाइथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कमांड्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, तो वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है. चलिए बैक टू द टॉपिक, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है भाई. डिस्क्रिप्शन क्या है, द रिलेशनल डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज द डेटा, ऑर्गेनाइजेस द डेटा इनटू टेबल्स वेयर ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर एस्टेब्लिश यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरन की. ये जो लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें हमने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरन की वी कैन कनेक्ट टू टेबल्स और वी कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स. इट फॉलोज द प्रिंसिपल बाय EF पॉड इन 1970. यहाँ तक हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है. अब डेटा जो टेबल्स में है वो क्या होगा, डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स विद ईच टेबल रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी और रिलेशनशिप. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, ईच रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए. क्लियर है. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर एस्टेब्लिश यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की.
इन अ रिलेशनल डेटाबेस यू माइट हैव अ टेबल फ्रॉम कस्टमर एंड ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स विच रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन दैम। क्लियर है, आपके पास कस्टमर की है, ऑर्डर की और प्रोडक्ट की है, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जो आईडी है वो सबके अंदर सेम होगा, क्योंकि जो कस्टमर जो इंडिविजुअली परचेज़ कर रहा है वो हर जगह सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की और क्या प्राइमरी की हेल्प से हमें रिलेशन बना के हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रिस्टोर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, द एंटिटी रिलेशन ER मॉडल भी बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दिया गया है, तो ER मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। ER मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट द एंटिटीज विद इन आर डेटा बेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, इट एम्प्लॉयज एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटीज क्या है, रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट सच एज कस्टमर और प्रोडक्ट। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज। रिलेशनशिप एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज डिफाइनिंग हाउ दे आर रिलेटेड। द ER मॉडल यू माइट हैव एंटिटीज लाइक स्टूडेंट कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर विद रिलेशनशिप सच एज एनरोलमेंट इन एंड टीचर्स। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे इंस्ट्रक्टर का और कोर्स का है और स्टूडेंट का है, किसी बच्चे ने कोई कोर्स लिया होगा उसका कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर होगा, तो वो जो तीनों की तीनों टेबल्स हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है वो आपस में कनेक्टेड होंगी, तो वो उसको बोलते हैं ER रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या रिलेशन लगा दो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस केस में। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल बात करेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। The object-based data model extends the concept of relational model by allowing complex data type, methods and inheritance. It treats data as an object that have both attributes and behavior. Objects, data is represented as objects with attributes and methods. Clear hai? Mark karte jaiye important points ko. ठीक है, वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स पता लग जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लाइक एरे सेट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इनहेरिटेंस अलाउ ऑब्जेक्ट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस हो सकता है। इन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा बेस यू माइट हैव ऑब्जेक्ट लाइक एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट विद एसोसिएशन associated method for performing action on those objects. Clear? तो ये होता है हमारा object based data model. अब बात करेंगे हम hierarchical model के ऊपर, ये क्या होता है। The hierarchical data model organizes data in tree-like structure with parent-child relationship. ठीक है, जैसे trees की branches होती हैं, पेरेंट्स या हमारे बच्चों का रिलेशन होता है। ईच पेरेंट रिकॉर्ड हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, एक फादर मदर के दो या तीन बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बट ईच चाइल्ड रिकॉर्ड हैव ओनली वन पेरेंट, बट जो बच्चा है उसके पेरेंट्स तो सिंगल ही होंगे। ठीक है, एक ही पेरेंट्स होंगे ना उसके, तो उनके वो टेबल एक होगी, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए चिल्ड्रंस के जो मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, अगर हम टेबल्स और कॉलम्स की बात करें तो। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर डेटा इज ऑर्गेनाइज हायरार्की इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन, ईच रिकॉर्ड एक्सेप्ट द रूट हैज़ वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मे हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स। क्लियर है, इन हायरार्कियल डेटाबेस यू माइट हैव कंपनी एंटिटीज एज अ रूट विद डिपार्टमेंट्स एज अ चिल्ड्रन एंड फर्दर सब डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज और पेरेंट चिल्ड्रन। जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरीके से वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर चलता है आपका। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेटवर्क डेटा मॉडल के ऊपर कि नेटवर्क डेटा मॉडल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो द नेटवर्क डेटा मॉडल एक्सटेंड्स द हायरार्कियल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। इट रिप्रेजेंट डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स विद लिंक बिटवीन देम। ठीक है,
रिकॉर्ड्स एंड लिंक्स का, और डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज रिकॉर्ड कनेक्टेड बाय द लिंक्स। जितने डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, वो किसी लिंक से कनेक्टेड होंगे। मल्टीपल रिलेशंस का होगा सपोर्ट मल्टीपल पेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स, ठीक है, किसी ना किसी लिंक से उनके बीच में क्या है एक रिलेशनशिप बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेटा देन हायरार्की मॉडल, यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डील करते हैं। इन अ नेटवर्क डेटाबेस यू माइट हैव रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज कनेक्टेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब एम्प्लॉयज ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं या कितने अलग अलग टाइम पे कर रहे थे, ठीक है, वो सारा डेटा मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर कनेक्ट होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एसक्यूएल की, एसक्यूएल के अंदर जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा। इन सीक्वल स्कीमा इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन इसकी, इंक्लूड टेबल्स व्यूज इंडेक्स स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड मोर। इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डेटाबेस डिफाइनिंग हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड हाउ डिफरेंट एंटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी स्कीमा के अंदर। लोकल स्कीमा क्या होता है, द लोकल स्कीमा डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स। ई एंटिटी ई आर रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट सच एज प्राइमरी फॉरेन की एंड अदर इंटीग्रिटी कंपोनेंट्स। डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स ऑफन रिप्रेजेंट्स यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और अदर मॉडलिंग टेक्निक्स, ठीक है, ई आर मॉडल डायग्राम और अदर टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। इन लॉजिकल स्कीमा यू माइट हैव एंटिटीज लाइक कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट विद रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन दैम सच एज कस्टमर ऑर्डरिंग प्रोडक्ट इन एन ऑर्डर, ये इस तरीके से। क्लियर है। अब बात करते हैं फिजिकल स्कीमा क्या होता है भाई, वो तो हमने बात की अभी लॉजिकल स्कीमा के अंदर, अब बात करते हैं फिजिकल स्कीमा। डेफिनेशन, द फिजिकल स्कीमा डिफाइंस हाउ द लॉजिकल स्कीमा इज इम्प्लीमेंटेड फिजिकली इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड स्ट्रक्चर एंड एसेस मेथड। स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क इंक्लूडिंग सच एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग मेथड एंड डेटा फॉर्मेट्स स्टोरेज फॉर्मेट्स। एसेस मेथड हाउ डेटा इज एसेस्ड, हाउ किस तरीके से रिट्रीव कर रहे हैं हम उसको, इंक्लूड इंडेक्सिंग है, स्ट्रेटर्जीज हैं, क्वेरी लगा रहे हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी मे इंक्लूड कंसिडरेशन सच एज डिस्क लेआउट मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कैचिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल स्कीमा के अंदर आती हैं। क्लियर है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख लेगा कि लॉजिकल जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इंक्लूडिंग एंटिटीज रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट, फोकस ऑन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा विदाउट कंसिडरिंग हाउ इज फिजिकली स्टोर्ड, ठीक है। लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए, फिजिकली कैसे हो रहा है नहीं हो रहा उसको लॉजिकल स्कीमा को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिजिकल स्कीमा में क्या है, लॉजिकल स्कीमा इज इम्प्लीमेंटेड फिजिकली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस स्पेसिफाइड डिटेल्स सच एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग मेथड्स एंड हार्डवेयर डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल स्कीमा ऑन द अंडरलाइंग स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे करते हैं। अब ये जो है वाई इज अल्टर क्वेरी इज यूज, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ऐसे क्वेश्चन को छाट के और लेके आएँ। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।